आप लोग जो भी मेरे चैनल पर हो ना भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो का लाइक एम भी वही 200-300 के समथिंग। तो कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि आपने ठेले और यूट्यूब से लाखों रुपया कमाया होगा, तो भाई यूट्यूब से तो नहीं लेकिन ठेले से। तो वेलकम टू माई डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एच के सोनी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो। मसाला क्या मतलब भूज के रहा हूँ, भुजा ही चुका है भाई। देखो खोलना थोड़ा, देखते हैं आज के दिन कैसा जाता है। और यार आप लोग जो भी मेरे चैनल पर हो ना भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो का लाइक एम भी वही 200-300 के समथिंग रहेगा भाई। ये निकलने जा रहा है समोसा गर्मा गर्म। कैसे भैया? भजिया दो यार, भजिया नहीं मतलब मुंगोड़ी दे दो। तो भाई निकल गए, चलिए खाते हैं, निकलते हैं। चलिए ब्रेड भरते हैं। कटोरी बनाने के बाद अब टाइम है चटनी वगैरह पीसने का, तो चलिए चटनी वगैरह पीसना चालू करते हैं। तो भाई चलिए फटाफट से ना हम लोग नारियल की चटनी पीसना चालू करते हैं। ज्यादा मिक्सर का जो नीचे का घिरनी खराब होता है ना, वो नारियल चटनी पीसते समय होता है, क्योंकि चना का दाल या फिर चना डाल के या फिर फूटा चना या फिर फली दाना, ये जो हम लोग पीसते ना तो बहुत ज्यादा कड़क रहता है टाइट, इसके चक्कर में मिक्सर गर्म हो जाता है। लो भाई चटनी वगैरह भी पिसा गया, मम्मी का मसाला पीस दे रहा था सब्जी बनाने के लिए, और अब जाऊंगा रोने मतलब प्याज वगैरह काटने के लिए। तो सब्जी मम्मी बना रही है आज लगन का साथ, ये चोखा टाइप से कुछ बनेगा। ओ भाई मसाला को यहाँ ऊपर ही रख देता हूँ, और मैं बैठता हूँ प्याज वगैरह कटिंग करने के लिए। और प्याज काटने के बाद ना भाई मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, बस नहाना है, खाना खाना है, उसके बाद फिर जाना है दुकान लगाने के लिए। और आज यहाँ तैयारी बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गया है। और आप लोगों के लिए एक दो गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, वो दिखाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा बस, थोड़ा सा भाई आप लोग, ठीक है? ये सरप्राइज ही रहेगा समझ लो यार, मतलब एक सरप्राइज तो इससे पहले था जो मतलब कहीं जाना था घूमने, वो और एक दो सरप्राइज था, ठीक है? लेकिन दो सरप्राइज कम से कम अभी और बचा हुआ है, ठीक है? थोड़ा वेट करो भाई, काफी मजा आने वाला है। आपका भाई नहा धो के रेडी हो चुका है, और सामान वगैरह पूरा का पूरा उधर पैक हो ही गया है। तो खाना निकल गया, अपना खाना खाते हैं, और बैंगन का सब्जी, टमाटर का चटनी, और दाल चावल और सलाद वगैरह। कमाल दिया ना बंडल, तो आज बुधवार का दिन है भाई, पूरा का पूरा नहीं तो हरा दोनों ही बेचारा है। देखिए आप लोग हरा ये बंडल बढ़िया देख के दीजिए ना भाभी, पूरा खुल जाएगा। पकड़ी पर सामान वगैरह आ गया अपना, चलिए दुकान वगैरह लगाना चालू करते हैं। और भाई ये देखो जो पेंचर हुआ था ना उसमें का ये लगवाया नहीं हूँ अभी तक ना, ये दिखा आप लोग को, ये इन्हें काला हुआ है, तो इसमें का ना जो मेरा ट्यूब है ना वो फट चुका होगा, ठीक है? एक और एक वो वाले का दो, ठीक है? तो इसमें नया ट्यूब लगेगा, लेकिन उसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, क्योंकि पेंट वगैरह जब मैं पूरा ठेला करवाऊंगा ना तो ट्यूब वगैरह पूरा लगवा लूंगा, या एक दिन गैप मार के पूरा का पूरा मेरा ठेला में जो भी डिस्टर्बिंग है ना वो पूरा का पूरा ठीक ठाक कर लूंगा, ठीक है? और बाकी कुछ लोगों का काम होता है भाई बदनाम करना, तो बस करते ही रहते हैं क्योंकि कुछ काम नहीं होता उनके पास। ये बात होगा घर ले जाएगा उसको। तो दोस्तों लगभग दो के आसपास हो गया है, चलिए निकलते हैं हम लोग दुकान लगाने के लिए भाई फटाफट से। और लगभग ना मेरा दो ठो ना दो हाँ दो सौ ट्यूब ना जा चुका है, अभी नहीं मतलब एक हफ्ते से ऊपर हो गए, तो उसको ना मैं आराम से ही बनवाऊंगा, क्या है ना फिर से मैं बनवाऊंगा उसके बाद फिर से यही हो जाएगा। अरे पहला बार नहीं है, पहले भी मतलब हमेशा ऐसे होते रहता है भाई, निकाल देते हैं, हवा निकाल देते हैं या फिर चुच्ची निकाल लेते हैं, हमेशा होते रहता है, नॉर्मल बात है।
हूँ गायब हो गई, बाल्टी तक नहीं हो, हाँ गायब कर दी। कहाँ जा रहा है तू? सोना लेने गया था। अपने अगला पिछला कुछ नहीं, बस इसका बचा है ना। तो करेक्ट ना, अभी ना 2:10 हो रहा है और फाइनली कटलेट आपके भाई का नहीं कर चुका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अग्नि जो के चढ़ा लेते हैं कटलेट, तो आपसे गोली वगैरह करेंगे। भैया लोग आ गए हैं, कुछ कस्टमर आ चुके हैं मेरे पास। डबल डबल अकाउंट तोड़ के लगा दूँ। डबल डबल सिंगल सिंगल धूप में मत बैठिए, धूप तो तगड़े से लग रहा है अभी। आज कस्टमर आ गए हैं भाई, मॉर्निंग काफ़ी अच्छा होने वाला है और कल नवरात्रि का लास्ट दिन है, ठीक है, नौवीं है, कल शायद भंडारा वगैरह होगा, देखते हैं कल दुकान खुलेगा नहीं खुलेगा। वैसे दुकान खोलूँगा यार, घर पर रहकर करूँगा क्या भाई, इसका उत्तर आया है। या दे तो उसी भैया के ले जा, कोई खुद ही हवा निकाल के, उसके बाद अपना 1800 रुपये का नुकसान थोड़ी ना करेगा भाई, पूरा का पूरा मेरा ट्यूब भी चला गया है। कॉन्टेंट क्या कॉन्टेंट भाई, मैंने ये तो नहीं लिखा था टाइटल में कि मैं अपना ठेला का हवा निकाल रहा हूँ, या किसी ने निकाल लिया टाइटल में कहीं लिखा हुआ था, इसको कंटेंट नहीं बोलते भाई। हाँ, लोगों को बदनाम करना होता है वो एक बहाना होता है भाई, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि आपने ठेले और यूट्यूब से लाखों रुपये कमाया होगा, तो भाई यूट्यूब से तो नहीं लेकिन ठेले से मैंने लाख रुपये के समथिंग आराम से कम कमाया होगा, ठीक है। जो भी खर्चे हो चुके हैं भाई, रहते तो भी एक मस्त सोल्ड बाइक ले लिया होता है, घूमते रहता मस्त किस्त में, यूट्यूब से तो नहीं लेकिन ठेले से मैंने कमाया है भाई। तो कह जाए मार्केट नहीं है फिलहाल में, मतलब कोई कस्टमर नहीं है, मार्केट ठीक ठाक है फिलहाल में। मैं पी रहा हूँ सेक अभी, और दीपक भैया भी मार रहे हैं सेक। कैसे दीपक भैया, आज बड़ा जल्दी आ गए। और भाई ये देखो 16 पीस का ऑर्डर आ गया है, 16 × 4 = 20 पीस हो जाएगा। 4 पीस भैया लोग बैठे हैं, 16 पीस देना भैया लोगों को। चटनी वगैरह पैक कर दिया है और क्रेडिट निकाल ही रहा हूँ।
फाइनली भाई पूरा पैक हो चुका है, दोना पत्तल चम्मच वगैरह सब कुछ 16 पीस भैया का लेंगे। अभी मस्त गर्मा गर्म मुंगोड़ी निकाल रहा हूँ और टाइमिंग लगभग 5 के आसपास हो गया है, और टाइमिंग लगभग ना 5 के आसपास हो गया है, और बहुत देर से ना लगभग आधा घंटे से ना भाई को कोई कस्टमर ही नहीं थे। दीपक भैया जब जल्दी आए ना तो इनके दुकान में बहुत सारे कस्टमर थे, तो दीपक भैया बहुत खुश हुए। लेकिन एक घंटा दीपक भैया कैसा लगा, कुछ तो बोलना चाहेंगे आप? क्या ना एक दो घंटा बैठा पड़ता है ना तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, लेकिन कस्टमर जब रहते हैं ना भाई तो बात करने का मूड टाइम नहीं रहता है, कंटिन्यू ग्राहक 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 सामान सामान सामान। दिल के अरमाज आंसू में बहता है कि नहीं बसता, बसता है कि नहीं? हाँ दही बड़ा तो बचा है, प्रति भी एक दही बड़ा झटाक से 20 रुपया चेंज दे देखो, मेरे को बोल रहे हैं उसको बोलो तेरे को है तो 200 रुपया चेंज दे, नहीं चेंज नहीं है मेरे पास, एक दही बड़ा दीजिए मेरे को। भाई थोड़ी देर पहले ना पूरा का पूरा एक ट्रे बचा हुआ था, लेकिन ना रिजल्ट बहुत ज्यादा है और एक ट्रे ना कंटिन्यू पूरा फिनिश हो गया, मतलब 10-10 पीस 10-10 पीस 25 पीस करके मतलब 10-15 लोग हैं पूरा का पूरा ना फिनिश हो गया। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं निकला कि मोबाइल निकाल कर सामने में लगाऊं मैं, ठीक है इतना ज़्यादा है बड़ी साहब ज़्यादा नहीं मेरे पास, बस यही जो पैकेट बचा है बस। पूरा दिन भर में ना भाई एक ट्रे बेचा और आधे घंटे में एक ट्रे फिनिश हुआ, दो ट्रे लाया क्या ही मोबाइल। मुंगोड़ी मेरा बचा हुआ है, मुंगोड़ी अभी निकालूंगा, मुंगोड़ी पार्सल नहीं है कटलेट है, 8-8 पीस 10-10 पीस करके बहुत ज़्यादा पूरे सामान खत्म हो गए, एक चीज़ छोड़ के पता है क्या, मुंगोड़ी ठीक है ये थोड़े से मुंगोड़ी बचे हुए हैं बस ये फिनिश हो जाए, कटलेट को इग्नोर मारिएगा इसको ठीक है, ये किसी को देना है बस ये इसी रखा हुआ है, अभी आएगा तो चल जाएगा। मुंगोड़ी बस इतना बचा है, बस इसी के लिए रुका हुआ हूँ, मतलब पूरा फुल था बस इतना ही बचा हुआ है, ये फिनिश हो जाए उसके बाद फिर अपन निकलेंगे, और ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुआ है लगभग 7 के आसपास ही हो रहा है, पर वाला भी मेहरबान है भाई ने तो आज किसी का भी मार्केट नहीं है, तो पार्किंग से भीड़ भी नहीं लगा है, लेकिन रोजा वाले मतलब बहुत लोग आए थे, 8-10 लोग आए, 8-8 पीस 5-5 पीस 6-6 पीस 10-10 पीस करके एक ट्रिप पूरा का पूरा फिनिश हो गया, भीड़ एकदम भी नहीं लगा है, एकदम बहुत कम है भीड़ भाड़। सामान वगैरह कम्प्लीटली पूरा रख लिया मैंने ठेले में ऊपर, और फिलहाल मैं भी आ गया हूँ छोटू के पास लिट्टी खाने के लिए। कैसे छोटू? तो लिट्टी खाते फटाक से, लिट्टी खाते फिर निकलते हम लोग। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आप लोग की वीडियो कैसी लगी। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, और मम्मी अभी बिस्किट खाने जा रही है। जितना भी है।